अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम रुख करेंगे तोप मंक्याला में मौजूद बुद्धिस्ट स्टूपा का और उसके बाद सागरी गांव जहां पर मौजूद कुछ मंदिर और खालसा हाई स्कूल का विज़िट करेंगे और कुछ इंतहाई अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। मंक्याला रेलवे स्टेशन से जुनूब की तरफ तकरीबन 5 किलोमीटर पर मौजूद है तोप मंक्याला स्टूपा, जो तकरीबन 2000 साल कदीम है और मौरखीन के मुताबिक मंक्याला स्टूपा गंधारा दौर से मिलता है, जबकि इस हवाले से मुतअद्दिद कहानियां भी वाबस्ता हैं। मंक्याला स्टूपा से मुतालिक एक दिलचस्प कहानी ये है कि इस मकाम पर बुद्धा ने भूखे शेरों को पालने के लिए अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को कुर्बान किया और बाद अजां इस याद को जिंदा रखने के लिए एक स्टूपा यहाँ पर तामीर किया गया। बरतानवी लाइब्रेरी के मुताबिक ये स्टूपा कनिक्शा के दौर में तामीर किया गया। इसे एक बरतानवी सियाह ने अफगानिस्तान के सफर के दौरान दरियाफ्त किया। वापस जाकर उसने इसके हवाले से एक तहरीर लिखी, जिसका फायदा ये हुआ कि 1891 में हुकूमत बरतानिया ने इस वर्षे को महफूज करने के लिए इसको रिस्टोर किया। दास्तान के मुताबिक ये स्टूपा दरअसल शाह अशोका का था, जो हिंदू सारा का बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, जिसने 261 कबल मसीह में जंग कलिंगा के बाद मजहब बुद्ध मत को कबूल किया और इसे रियासती मजहब का दर्जा भी दिया। उन्होंने ये हुक्म दिया कि नेपाल में बुद्धा की बाकी रसूमात अदा की जाएं और इसकी राख को सोने चांदी के 84 मुख्तलिफ खानों में रखा जाए और इसके बाद ये खाने हिंदुस्तान में 84 मकामात पर दफन करके एक गोल और टीले की शक्ल के स्टूपे तामीर किए जाएं, जिन पर 7 तहें बनाई जाएं, जो बुद्ध मत में 7 आसमान, 7 ज़मीन, 7 जिल की तहें, 7 रंग और 7 संगीत के सुरों को जाहिर करती हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक मंक्याला स्टूपा उन 84 स्टूपों में से एक है जो अब खस्ता हाली का शिकार है। इसकी हिफाजत के लिए इसके इर्द गिर्द सलाखों से चारदीवारी तो बना दी गई है, मगर इसको महफूज करने के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है। आज भी इस तारीख से दिलचस्पी रखने वाले लोग इस इलाके का रुख करते रहते हैं। नाजरीन, अभी हम वापसी का सफर इख्तियार करेंगे और सागरी गाँव में मौजूद मंदिर और खालसा हाई स्कूल का भी विजिट करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सागरी गांव में ये वो मंदिर हैं जिनके हवाले से मैंने आपको बताया था और जब मुझे जितनी भी मालूमात मिली हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। खिता पोटोहार में इस तरह के बहुत सारे मंदिर अभी भी मौजूद हैं। इनमें से गो के इनमें पूजा पाठ नहीं होती, मगर अभी तक इनको गिराया नहीं गया क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक इंतहाई अहम तारीखी वरसा है। इस खत्ते के ये मंदिर अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं क्योंकि इसके इर्द गिर्द आबादी है, तो इसको गिराने की बजाय सब ने इसकी हिफाजत को यकीनी बनाया। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर हैं। इनकी दीवारों पर संस्कृत में इबारत भी लिखी हुई है जो अब मदम पड़ गई है और रीडेबल नहीं है। इन मंदिरों का आर्किटेक्ट बहुत अमेजिंग है। दीवारें ईंटों से बनी हुई हैं। इस मंदिर को विष्णु का मंदिर भी कहा जाता है, जिसमें नक्शोनिगार देखने से ताल्लुक रखते हैं। इस इमारत के अंदर मूर्ति स्थान भी मौजूद है
जिसमें एक मेन मूर्ति स्थान है, जबकि एक सत मूर्ति स्थान है जिसमें 7 मूर्तियां मुख्तलिफ जगहों पर रहने की जगह बनी हुई है। नाज़रीन, इस जगह पे 2 बिल्डिंग 2 मंदिर मौजूद हैं और इसके करीब ही एक और मंदिर भी मौजूद है। अभी हम चलेंगे खालसा हाई स्कूल की तरफ, तो हमारे साथ रहिएगा। खालसा हाई स्कूल, जो पाकिस्तान बनने से पहले सिखों की मलकियत था और सिर्फ हिंदू और सिखों को पढ़ने की इजाज़त थी, जबकि मुसलमानों के लिए एक अलग स्कूल था। नाज़रीन, खालसा हाई स्कूल 1983 में तामीर किया गया, जबकि पाकिस्तान बनने के बाद इसको गवर्नमेंट मिडिल स्कूल 1947 में बना दिया गया। बाद अज़ां इसको हाई स्कूल का दर्जा 1949 में दिया गया। इस वक्त ये एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसे 2007 में अपग्रेड किया गया। जब हम स्कूल में दाखिल हुए जी, उस वक्त ये खालसा स्कूल कहलाता था और यहाँ पर सिर्फ हिंदू और सिख बच्चे पढ़ते थे। अच्छा, मुसलमानों के लिए अलग स्कूल था। अच्छा, और मुसलमानों के लिए ये गैर मजहब के लिए अलग था। अच्छा, हमारे लिए मिडिल स्कूल था और उनके लिए गैर मुस्लिम के लिए हाई स्कूल था। अच्छा, यहाँ पर हमने शिफ्ट जब किया तो उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बन चुका था। उसके बाद यहाँ पर आकर जब इसकी हालत थी जो देखने में आई, वो ये थी कि तमाम बिल्डिंग जली हुई थी, बगैर छत के थी। ये एक बड़ का दरख्त था, यहाँ पर इसके साय में बैठते थे, इधर ही पढ़ते थे, इधर ही पढ़ते थे। उस ज़माने में हमारे टीचर हमारे अपने इलाकाई थे, बहुत मेहरबान लोग थे, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थे। उन लोगों ने हमें बड़ा वो सहारा एक किस्म का दिया। अच्छा, कि आप लोग बच्चों को घबराओ नहीं, ये बहुत जल्दी स्कूल बन जाएगा और आप लोग यहाँ पर अच्छी क्लासें मिलेंगी, अच्छा स्कूल मिलेगा। जो लोग यहाँ पढ़ते थे वो यहाँ से बाहर चले जाते। अच्छा, सही। जैसे रावलपिंडी में चला गया, गुजर खान में चला गया। सही, इस तरह से आप नज़र मारे ना, बसाली देखे हाई स्कूल है, मुसलमानों को मिडिल स्कूल है, यहाँ डेरा खालसा है, वहाँ पे ये जो गैर मुस्लिम थे उनका हाई स्कूल है। अच्छा, और मुसलमानों को मिडिल था। कलर सईदान चले जाएँ, वहाँ हाई स्कूल है। सही। और मुसलमानों के लिए मिडिल स्कूल है। मुसलमान के लिए फीस डबल होती थी। अच्छा, पहले तो यहाँ उसको दाखिला नहीं मिलता था, मिलता था फीस डबल होती थी। यहाँ एक उस्ताद गुजरे अब्दुलरहमान साहब जी, वो बताते थे कि यहाँ पे जब मुसलमान बच्चा कोई दाखिल होता था तो उसे डबल फीस लिया, और बच्चा दाखिल नहीं हो सकता। सही सही सही। तो फिर उसके बाद जब हम यहाँ आए तो फिर तो हम तो यहाँ नीचे बैठकर पढ़ते थे, ये बरामदे थे, छत नहीं था, यहाँ बैठते थे। अच्छा, पीछे एक हाल है जी, उसमें बैठते थे। अच्छा, रशीद साहब, इस स्कूल के हवाले से बताइएगा, क्योंकि ये आप बता रहे हैं कि ये खालसा का स्कूल था जी, तो इसमें उस वक्त निसाब क्या था और जो असातिज़ा थे वो किस तरह के थे? हमारे यहाँ जो सास्ता थे जी, वो मुसलमान कम थे, हिंदू ज़्यादा थे। ठीक है, हमारे स्कूल में भी हिंदू वहाँ पढ़ाते थे। ठीक है, मुसलमानों के स्कूल में भी उनको वैकेंसियाँ मिलती थी जी। तो हमारे जो उस्ताद यहाँ पर थे वो पांच चौथी पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं तक पढ़ाते थे। बाद में हमारे यहाँ उस्ताद हैं जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जब ये पार्टीशन हुई तो उन लोगों ने यहाँ कर ज्वाइन किया और फिर उन लोगों ने हमें आगे। और यहाँ पर जो तलबात थे उनका तनासब क्या था, मुस्लिम और गैर मुस्लिम? आबादी के लिहाज से, आबादी के लिहाज से स्कूलों का तनासब ठीक था। आबादी के लिहाज से अब यहाँ काफ़ी आबादी है, बच्चे ज़्यादा आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। तो ये बिल्डिंग जो हमारे पीछे मौजूद है, आपने इसमें यहाँ पर बैठ के तारीफ की? हमने इसके यहाँ पर बैठ के। तो ये अभी अपनी हालत में मौजूद है या? ये बहुत अच्छी हालत में है ना जी अभी तक जी, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग हुई है, इसकी छत बनी है, इसके ये दरवाजे बने हैं, इसकी खिड़कियाँ बनी हैं, इसमें कोई चीज़ भी नहीं, सब जल गया। अभी आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको अपना दौर याद आता होगा? बिल्कुल याद आता है। आप यहाँ पर टाटों में बैठ के पढ़ते थे? हम यहाँ नीचे बैठ कर पढ़ते थे, हम ऐसे पढ़ते थे। हम फिर जब पार्टीशन हुआ तो हमारे माजर उस्ताद आए, ऐसे जो माजरीन थे ना उनमें से उस्ताद आए। और यहाँ पर एक हमारे उस्ताद थे, इब्राहिम नाम था उनका, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस अता फरमाए, वो हमें यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया करते थे। अच्छा, हाँ सही। अच्छा, मुझे रशीद साहब एक बात बताइएगा, एक
آپ کا مشاہدہ، آپ نے پاکستان بنتے دیکھا، آپ نے وہ حالات دیکھے، آپ نے وہ گھر دیکھے جو جلا دیے گئے، آپ نے وہ لوگ بھی دیکھے جن کو ناحق مار دیا گیا مسلمانوں میں، پھر آپ نے یہ سسٹم دیکھا جس میں جو ہے نا وہ مسلمان کو پیچھے کیا گیا اور جو سکھ اور ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو آگے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان بنا ٹھیک بنا؟ بہت اچھا بنا پاکستان، بنائے تو ہم آج یہاں آئیں، اگر پاکستان نہ بنتا تو ہم جس حالت میں آج یہاں پھر رہے ہیں ایسے نہ کرتے۔ مذہب کے لحاظ سے تو آپ کو بہت آزادی ملی ہے نا جی، اس زمانے میں جب کہ برٹش گورنمنٹ کی حکومت تھی تو بہت کم لوگ آپ کو دین کے بارے میں جاننے والے ملتے، بہت کم لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے ملتے۔ آج الحمدللہ ہمارا ہر بچہ جو ہے وہ دین کے مطلب بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ اپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، کیونکہ آج ارشد صاحب نے اور رشید صاحب نے جو ہے بہت ٹائم دیا ہمیں اور ہم نے ایک نئی جگہ ایکسپلور کی ہے۔ تو میرا اور ارشد صاحب کا چینل آپ سبسکرائب کریں اور لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے تاکہ بیل بٹن دبائیں، ضرور دبائیے، بھولنا نہیں آپ نے۔ تو ہمیں جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں، جب آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمارا حوصلہ مزید بڑھتا ہے، ہم کچھ اور کرنے کی لگن جستجو جو ہے وہ جاگتی ہے ہمارے اندر۔ تو ضرور کیجیے گا ان کا چینل بھی سبسکرائب اور میرا بھی۔ تو ملیں گے کہیں اور کسی اور جگہ پہ کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔